हाय, इस वीडियो में हम 5G स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले 5G स्पेक्ट्रम की मैं न्यूज़ अपडेट दे दूं आपको। आज 1 अगस्त 2022 सोमवार को इंडिया की पहली 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंडक्ट हुई और इसका टोटल बिड अमाउंट रहा 1,50,173 करोड़ रुपए। इस ऑक्शन का टॉप बिडर रहा रिलायंस जियो, जिसने लगभग 88,000 करोड़ रुपये की वर्थ का 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर किया। सेकेंड नंबर पर भारतीय एयरटेल रहा, जिसने 43,000 करोड़ रुपए की वर्थ का 19,767 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्वायर किया। थर्ड नंबर पर रहा वोडाफोन आइडिया, जिसकी बिड थी 18,799 करोड़ की। और फोर्थ पर रहा अदानी ग्रुप, जिसकी बिड थी 212 करोड़ की। ये तो थे इस ऑक्शन के टॉप बिडर्स के नाम। लेकिन 5G के इंडिया में आने से टेलीकॉम और IT सेक्टर की कुछ और कंपनीज़ हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है। उनके नाम कुछ इस तरह हैं: TTML, रिलायंस, TCS, स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स, भारतीय एयरटेल, वोडा आइडिया, विप्रो, इंडस टावर, MTNL, HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और तेजस नेटवर्क्स। एक्सपर्ट्स की राय में इन कंपनीज़ को 5G के आने से बेनिफिट हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।